शताब्दी एक्सप्रेस की गिनती देश की उन सुपरफास्ट ट्रेनों में होती है जिनमें तमाम वीवीआईपीज, नेता और मंत्री आदि सफर किया करते हैं। ऐसे में इस ट्रेन की अरेंजमेंट्स आदि का खास ख्याल भी रखा जाता है। लेकिन बेंगलुरु से चेन्नई जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में एक गजब बवाल देखने को मिला, जहां यात्रियों को बांटे गए एक अखबार को लेकर खासा हंगामा हुआ। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक शताब्दी के यात्रियों को एक प्रोपेगेंडा अखबार बांटा गया, जिसमें कुछ आपत्तिजनक लेख छपे होने की जानकारी मिली है। अखबार को लेकर ट्रेन में सफर कर रहे कुछ यात्रियों ने जब इसका विरोध किया तो इस पर खुद IRCTC ने भी कड़ा संज्ञान लिया। उन्होंने इस पर ऑनबोर्ड सेवाएं मुहैया कराने वाली एजेंसी से इस संबंध में जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि शताब्दी ट्रेन में बांटे गए प्रोपेगेंडा अखबार का नाम आर्यावर्त एक्सप्रेस था, जिसके पहले पन्ने पर कुछ आपत्तिजनक हेडलाइंस के साथ खबरें छापी गई थीं। खबर का जो अंग्रेजी शीर्षक दिया गया था उसमें लिखा था, इस्लामी शासन के तहत हिंदुओं, सिखों और बौद्धों के नरसंहार को पहचानने की जरूरत है। इसके अलावा एक और भी खबर छपी थी जिसका शीर्षक था, संयुक्त राष्ट्र को औरंगजेब या हिटलर की तरह लेबल करना चाहिए। इस तरह के शीर्षक वाले प्रोपेगेंडा अखबार को लेकर यात्रियों ने जब शिकायत की तो उसे रेलवे अथॉरिटी ने गंभीरता से लिया। इस संबंध में ताजा अपडेट्स के मुताबिक पूछताछ में जो बात निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक ट्रेन के लाइसेंसी PK सैफी ने बताया कि भारतीय रेलों में जिन अखबारों को बांटे जाने की अनुमति है उन्हीं में वेंडर्स की ओर से सप्लीमेंट्री डाल दिया गया था जो शताब्दी के यात्रियों तक पहुंच गया। हालांकि इस तर्क को लेकर कुछ यात्रियों की ओर से ट्वीट भी किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि प्रोपेगेंडा अखबार सप्लीमेंट्री के तौर पर नहीं बल्कि अलग से बांटा गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।